माय डियर फ्रेंड्स, आज हाँ जी तो मैं मदरसी लाइब्रेरी में आज यहाँ मौजूद हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा माहौल यार दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब बिजली नहीं है, बहुत पंखा चल रहा है, बहुत सपोर्ट है स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे। स्पेशली ये जो कॉपरेशन है उन लोगों की बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह। ये बहुत ही एक्टिव लाइब्रेरी है मदरसी की, तो माशाल्लाह मदरसी में अब बहुत ही शोर आ गया है, अवेयरनेस आ गई है, ऐसी अच्छी लाइब्रेरी है। पर एक बात है जो स्टूडेंट्स जो है ना वो उनको मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार आप वो यहाँ पे आएँ। मदरसी लाइब्रेरी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, अगर आप घर बैठे बोर हो रहे हो ना तो प्लीज़ घरों से बाहर निकलो और मदरसी लाइब्रेरी में बैठो, पढ़ो, लिखो। अगर आपको मदरसी लाइब्रेरी के बुक्स पढ़ने हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश में पढ़ने, इस्लामी बुक्स पढ़ने, उर्दू में पढ़ने, सिंधी में पढ़ने, हर चीज़ के बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा तो मैं तो अभी यहाँ मौजूद हूँ, तो यहाँ पर वो जो एक टीम है वो तो आई थिंक मौजूद नहीं है ना, वो नौजवान संगत, वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मदरसी के लिए यार, वेल एंड गुड, मतलब आई सल्यूट देम यार, ज़बरदस्त, आई अप्रिशिएट देम, कमेंडेबल वर्क दे आर डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग यार, दे आर डूइंग एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस लाइब्रेरी, आल्सो दे ट्राइड टू मेक इट ओपन फॉर यू मी एंड एवरीबॉडी हु आर फ्री एट देयर होम। अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की, उसके बाद वो फेसबुक पे पोस्टिंग चलाते रहे हैं, ट्विटर करते रहे, बुक्स जो है ना वो डोनेशन, वो सपोर्ट, वो बुक्स भी लेके आए हैं, सीसीएस के जनरल बुक्स, हिस्ट्री के, इंग्लिश के, मतलब ये जो है वो तो आमतौर पे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ा करते, आमतौर पे मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़ा करते, मतलब हिस्ट्री के ये एक्सेट्रा वगैरह पोइट्री के, मतलब बाकी सारे जो बुक्स हैं ना वो पढ़ेंगे आप, सीसीएस वाले, इंग्लिश वाले, डिक्शनरीज हैं, बहुत बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं अभी तक, अभी पढ़ रहे हैं, तो हम उनसे थोड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे थोड़ा बहुत पूछ रहे हैं कि यार उन्हें कैसा लग रहा है मदरसी लाइब्रेरी में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आ भी रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह अच्छी अवेयरनेस आ गई है यहाँ से। जुल्करनैन हैदर मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो यहाँ तकरीबन एक या दो नहीं बल्कि डेढ़ अढ़ाई घंटे यहाँ पे स्पेंड करता है और वो अपनी स्टडी को सीरियसली ले रहा है, क्योंकि अभी अभी इंटरमीडिएट क्लियर की है उन्होंने, तो यूनिवर्सिटीज़ आने वाली हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर तो होना है ना यार, मेंटली नहीं, मतलब लाइब्रेरी एक बोरिंग चीज़ किस हद तक हम कह सकते हैं भी, एक आज़ाद पंछी को एक पिंजरे में कैद करना मतलब बहुत बड़ा मसला है यार, उन्हें फील होता है मैं नहीं, एक घंटा बैठते हैं बोर हो जाते हैं बस भाग जाते हैं, तो एक घंटा दो घंटा अपने आप में हैबिट बनाएं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता काम हो जाएगा। अच्छा आप कैसा फील कर रहे हैं मदरसी लाइब्रेरी में? और जैसे यहाँ पर अपनी स्टडीज करने में बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ, क्योंकि अक्सर आप घरों में अगर स्टडी करते हैं तो वहाँ पर एक स्टडी का माहौल नहीं बनता, माहौल जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि बुक्स वगैरह पढ़े हैं या फिर यहाँ पर हर कोई स्टडी में मशगूल रहता है, तो उनसे हमें एक माहौल मिलता है कि भाई यहाँ पर स्टडी करनी है। अगर हम घर में जाते हैं या फिर घर में किसी चीज़ की रिटेन करते हैं तो भाई घर पर तो मतलब काम ही काम, हाँ। तो अक्सर घर के काम होते हैं, बच्चों का शोर, बच्चों का बहुत सारे डिस्टर्बेंस जी जी यही बात, तो मैं तो यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ और एक माइंड रिलैक्सेशन मिलती है यहाँ पर, और वो माइंड जो सिग्नल भी नहीं देता क्योंकि ऐसी सपोर्ट नहीं होती, ऐसी चेयर नहीं होती, तकरीबन नीचे बैठना है, अनकंफर्टेबल फील होता है, यहाँ पे आके हम कंफर्टेबल तो इसे मतलब वो अपनी स्टडी जो वो अच्छी तरीके से करते हैं। आपको कहा ना यहाँ पर माहौल स्टडी वाला होना होता है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर कौन कोई नहीं गया ना कि हम यहाँ पर कोई डिसकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हाँ सही बात नहीं, एक अच्छा वो जो रीज़न मैंने बताया कि किन के साथ ये मसला होता है, क्योंकि वो आज़ाद पंछी होते हैं ना, घूमते फिरते हैं तो मतलब उनके साथ ये मसला होता है, तो वो एक जगह टिके नहीं रहते। नहीं तो इस मतलब आपकी इस बात का हम देख रहे हैं ना यहाँ पे कितनी सारी चेयर्स जी, कितनी भरी हुई हैं, कितनी खाली हैं, आप मेरी बात सुनिए, मैं तो इस बात की मुखालफत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उस चीज़ को यानी कि तकरीबन जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो अपनी स्टडी के हवाले से घर में समझें कि एक कैद पंछी है, यहाँ पर तो वो आज़ाद से आकर स्टडी कर सकते हैं, कोई उनको डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो मैं तो यहाँ पर आकर आज़ाद फील करता हूँ। स्टडी करने वाले आते हैं ना जी जी, जिनको घर से फोर्स किया जाता है पढ़ो, पढ़ने जाओ, ट्यूशन हो, लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी एक कैद खाना है, ऐसा समझ लें आप, मैं स्टडी के लिए कह रहा था, क्योंकि वो जो यहाँ आते हैं जो घूमते फिरते रहते हैं होटलों पर गैदरिंग्स करते हैं वो यहाँ पे दो घंटे भी नहीं स्पेंड कर पाएंगे,
उस हिसाब से मैंने कहा कि वो यहाँ पे आके एक पिंजरा फील करते हैं, अपने आप को कैद करते हैं। बताए आपको, मैं आपको बताए मेरी बात, तो मैं एक पहले पहले दिन यहाँ पे आ रहा ना, 15 मिनट या मतलब एक घंटा बैठा ना वो बस है शुरू, मतलब थकावट मथा नहीं क्या क्या। तो 2-3 मिनट जब होटल बनाए अपने तो अब जाके सेट। तो ये भी तो मसला है ना किसी तरह, आप इंटरेस्ट है, आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, इसीलिए जितना ज़्यादा इंटरेस्ट है उतनी ज़्यादा आपकी पढ़ाई में जो दिल है वो लग रही है और आप बहुत ही फील कर रहे हो और कैद भी नहीं फील कर रहे हैं। कोई भी काम करने में इनिशियल पॉइंट बहुत मुश्किल होती है। अगर हम अपने इनिशियल टाइम शुरू करेंगे, ज़ाहिर बात हम पहले मरतबा तो हमें बोरिंग होगी, लेकिन ऐसा ऐसा अगर आप अपनी आदत बनाएंगे ना किसी चीज़ की, तो भाई जब इंटरेस्ट होगा तब बनाएंगे। आपको लगा हुआ है कि आप क्या आदत बनाएंगे, तकरीबन नहीं है आदत लोगों में। अगर किसी को शौक है या फिर किसी को इस चीज़ का बेनिफिट पता चल जाता है तो उनमें शौक पैदा होगा और वो अपनी आदत बना लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये शोर हमें फॉर्म में पैदा करना पड़ेगा। अच्छा, मदर जी के लिहाज के, मदर जी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो मदर जी लाइब्रेरी में मतलब आए पढ़ें, या मतलब इस लिहाज से आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरा तो मेरे भाइयों को सर जो स्टूडेंट्स हैं जी, मैं अपने भाइयों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई वो ज़रूर यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर माहौल बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, तो बस यहाँ पर इंशाल्लाह ताला वो आएंगे तो उनको एक माहौल मिलेगा और वो यहाँ पर कम्फर्टेबल फील करेंगे। सर जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। अच्छा, तो देखो आपने, हमने व्यूज़ लिए जुकर ने इधर से, तो उन्होंने भी बताया कि यार हमको यहाँ बहुत कम्फर्टेबल है, नो डिस्टर्बेंस, कुछ भी नहीं, रिलैक्सेशन ज़बरदस्त, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ, उनकी जो उसकी जो पढ़ाई वो अच्छी तरीके से हो रही है। तो आए अभी हम चल रहे हैं कि स्टूडेंट बेटा है, हम देखते हैं उनके साथ भी मिलते जुलते हैं, मतलब जैसे उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे चेयर्स भी पड़ी हुई हैं, मतलब अगर यहाँ पे यार हर चीज़ की फैसिलिटी है, आप आओ चेयर हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन घर से निकलो तो सही। अभी तो यहाँ पे जो डोनर थे बुक्स थे वो फिलहाल इशू नहीं हुए, लेकिन इंशाल्लाह कल तक ये जो है ना वो बाहर रैक्स में पड़े हुए होंगे, ये आप देख सकते हैं, बहुत 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 अच्छे अच्छे बुक्स हैं। क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, किसी अपने अपने वर्क में माशाल्लाह पढ़ाई कर रहे हैं, बस उनके ऊपर से जो सोलर फैन है वो भी चालू है। मैं तो यही कहूँगा यार, ओवरऑल में 5 में से कुछ कमियाँ भी हैं, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बहरहाल एक इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा है, हम उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगर आप आएंगे ना, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो आपसे, आप आएंगे तो ये बनेगी, चलेगी भी और इंशाल्लाह तरक्की भी करेगी आहिस्ता आहिस्ता। तो आप आना शुरू करें इंशाल्लाह, लाइब्रेरी जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी लाइब्रेरी बनेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।